हेलो एवरीवन, सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। मैं हनुमान जंगीर और मेरे साथ दयाल सर आज डिस्कस करने जा रहे हैं गुरु नीति के 6 एपिसोड में सॉल्यूशन सेकंड वाला पार्ट। इसमें अपन बेसिकली सर डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टार्ट करें सर। बिल्कुल सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कंपाउंड दिया गया है X3Y2 when react with A2B3, दोनों का आयोटा 5 है, इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स ब्राउन कलर। जब भी एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं या ब्राउन कलर देते हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इनको SPM से अलग कर दिया। तो ये कह रहा है कि ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज, इसमें ब्राउन कलर कहां बनने वाला है? तो ओवरऑल बात ये हुई, ये बोला कि X3Y2 अगर A2B3 के साथ अगर रिएक्ट कर जाता है, हाँ, तो ब्राउन कलर बनेगा, ब्राउन कलर बनेगा। जैसे सर इसमें ये है कि X3Y2 ये एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये X3Y2 जो होगा इस एक साइड वाले में सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेगा। बिल्कुल सर। और A2B3 भी जो होगा वो सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेगा। बिल्कुल सर। ये दोनों विलय की तरह काम करने वाले। बिल्कुल। अब ये कह रहा है ये दोनों अगर ऑस्मोसिस होता है और ऑस्मोसिस की वजह से अगर ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं अगर, तो ब्राउन कलर आएगा। बिल्कुल सर। अब आप उनको ऑप्शन देखना है कि ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो दोनों ही सॉल्यूट के पार्टिकल से, तो हमेशा ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल, ये बेसिक फंडामेंटल ये है सर कि अगर ऑस्मोसिस होगा तो SPM से जो पास होगा वो सॉल्वेंट का पार्टिकल पास होना चाहिए। बिल्कुल। ओनली फॉर SPM की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने में से सॉल्वेंट के पार्टिकल को फ्लो होने देगी, तो इसका मतलब ये सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा। बिल्कुल सर। इसका मतलब इस वाले सॉल्यूट को भी पास नहीं होने देगा, नहीं देगा। तो इसका मतलब SPM से ये दोनों क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, इनकी आपस में रिएक्शन नहीं होगी, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो ब्राउन कलर तो कभी बनना ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर, ब्राउन कलर फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, सेकंड नंबर प्रॉब्लम दे रखा है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। आपको सर कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है और आपको बोला है कि कौन सा करेक्ट जो है वो चॉइस होना चाहिए, करेक्ट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है सर, कॉलम फर्स्ट में इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, ये आपको दे रखा है, और सामने सॉल्यूशन के टाइप लिख रखे है, कुछ राउल्ट्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म में, कुछ हेनरी लॉ से रिलेटेड बात है, एक ऑप्शन लिख रखा है आइडियल सॉल्यूशन, और लास्ट लिख रखा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर जो होता है सर, ये पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बिल्कुल, इनमें जो पहले आपके बॉन्डिंग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड होगा, वाटर में एच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे एच बॉन्ड होगा, लेकिन जब आपस में होगा तो वीक एच बॉन्ड बनेगा, जिससे जो नया बॉन्ड बन रहा है वो कमजोर होगा, कमजोर हो गया, अगर कमजोर हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। बिल्कुल। इसलिए इसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो सर, दोनों ये हमेशा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। बिल्कुल सर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बेसिक मीनिंग ये है, जिसका वेपर फेज में और एक्वस सॉल्यूशन में कंपोजिशन जो होना चाहिए वो सेम रहे। बिल्कुल सर। वेपर फेज और एक्वस फेज में कंपोजिशन सेम होता है, उसे अपन एजियोट्रॉप बोलते हैं। चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, दोनों एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो ए का एप्रोप्रिएट होना चाहिए फोर्थ सर। इसका तो हो गया फोर्थ। अब जैसे नीट वगैरह में सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पहले ये देख लेना चाहिए कहीं एक ही ऑप्शन ऐसा नहीं हो जिसमें ए का फोर्थ हो। तो यहाँ पे सर ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में आ रहा, तो आंसर तो थर्ड हो गया, बट अपन सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बाकी आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, पहला ऑप्शन चेक किया आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में एक फायदा और सर, अगर दो भी मैच करने आ रहे तो ऑलमोस्ट उससे मैच होता था। बिल्कुल, टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है वो कम होगा यहाँ पे। सेकंड ईयर का बेंजीन प्लस टोलुइन, जब भी सेम प्रॉपर्टी वाले को मिक्स करते हैं तो वहां आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और यहां पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इनकी आपस में, जब बॉन्डिंग होगी वहां पे भी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम ही रहेगी, तो ये इसका बी का हो जाएगा थर्ड आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल सर, इसका हो गया अपना थर्ड। थर्ड नंबर दे रखा है सी में हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बेसिकली जो होता है वो गैस की किसी लिक्विड के अंदर सॉलिडिटी को रिप्रेजेंट करता है और प्रेशर का इफेक्ट चेक करवाता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस सॉल्यूशन, ये हो जाएगा सी का सेकंड। बिल्कुल सर, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में जो CO2 का भरना डिसॉल्व होना जो होता है, बिल्कुल सर, वो हेनरी लॉ से एक्सप्लेन होगा। राउल्ट्स लॉ ये बोलता है सर कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कभी भी जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर अपन ऐड करते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। RLVP जो होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। बिल्कुल सर। RLVP को बोले तो
डेल्टा पी अपॉन पी हो जाएगा और सर. ये हो जाएगा स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एन प्लस एम. स्मॉल एन जो है वो सॉल्यूट के मोल है और कैपिटल एन जो है वो सॉल्वेंट के मोल है. तो इसका हो जाएगा करेक्ट फॉर्म जो हो जाएगा वो फर्स्ट. बिल्कुल, ये डेल्टा पी यहाँ पे जो बात करें वो पी नॉट माइनस आपका पी एस एस बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस. बिल्कुल सर, हो गया ये सेकंड नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए सर. अच्छा क्वेश्चन है सर. नेक्स्ट थर्ड नंबर दे रखा है, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है ये डॉटेड दे रहा है वो राउल्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग ग्राफ है. बिल्कुल सर, इसका मतलब राउल्ट्स लॉ के लिए है. तो ये डॉटेड वाला जो है ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए. बिल्कुल सर, अब अपन को अदर दे रखे हैं तो चेक करना है अपन को कि कौन सा डेविएशन आएगा, ये आइडियल है या नॉन आइडियल है. जितने की एक्सेप्टेशन थी उससे उम्मीद से ज्यादा यहाँ पे वेपर प्रेशर मिल रहा है हर बार. इसका मतलब P ऑब्जर्व जो है वो P थियोरेटिकल से या P जो राउल्ट्स लॉ से आ रहा है उससे अगर ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन का होगा सर. तो पॉजिटिव डेविएशन का अपने को यहाँ एग्जांपल देखना है और ये सर अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल जो है वो पॉजिटिव डेविएशन का. बिल्कुल, यहां पे देखा जाए एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल ये भी सब पॉजिटिव डेविएशन में आएगा. ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का हो गया. हां, बाकी ये है पॉजिटिव डेविएशन के. बिल्कुल सर, फिर दूसरा जो ग्राफ है सर ये नेगेटिव डेविएशन के लिए हो गया. उम्मीद से कम आ रहा है वेपर प्रेशर हर बार तो नेगेटिव डेविएशन. तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल ये एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म में यहां पे कोई एच बॉन्डिंग नहीं है, इसमें कोई एच बॉन्डिंग नहीं है, डाइपोल 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 है दोनों में. अब जब आपस में सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहां एच बॉन्डिंग आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा. इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्ड कर लेगा. बिल्कुल सर, तो इसका मतलब यहां पे बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो ये नेगेटिव डेविएशन का हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया. तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सर. नेक्स्ट चलिए. नेक्स्ट ये कह रहा है व्हेन ग्लिसरीन इज एडेड टू 1 लीटर वाटर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व्ड. ये कह रहा है सर अगर 1 लीटर पानी में अगर ग्लिसरीन को ऐड किया जाए तो कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको मिलने वाला है. बिल्कुल सर, ग्लिसरीन जो है वो सर नॉन वोलेटाइल है. बिल्कुल सर, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर अपन वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर ऐड करते हैं, वाटर वोलेटाइल है, तो उस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात होगी. बिल्कुल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार ही होती सर. एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होगा. डिक्रीज हो जाएगा. सेकंड नंबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, मींस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. इंक्रीज हो जाएगा. थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज होगा. और लास्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ ये ऑब्जर्वेशन देखने चार में से कौन सा आएगा. तो यहाँ पे दे रखा है सर कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर. याद है बिल्कुल सर, इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपना जो बीपी होता है वो उल्टा इंक्रीज हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है सर वाटर इज इजीली इवोपरेट. वाटर इजीली इवोपरेट नहीं होगा सर, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया है. वेपर प्रेशर कम हुआ इसका मतलब अब थोड़ा डिफिकल्टी से इवोपरेट होगा, इसका मतलब बीपी बढ़ चुका है. बिल्कुल, तो ये नहीं होगा. टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज ये नहीं होगा. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है और विस्कोसिटी का इससे कोई लेना देना है नहीं. और ग्लिसरीन अगर वाटर में ऐड किया तो विस्कोसिटी एक्चुअल में इंक्रीज हुई है. बिल्कुल, ये कह रहा डिक्रीज हुई है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है ग्लिसरीन के अंदर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट कह रहा सर इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन आर मिक्स्ड, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इन प्योर स्टेट आर 700 एंड 600 mm ऑफ HG दे रखा है. अच्छा क्वेश्चन है सर. द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट. सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ओवरऑल बात ये है कि जैसे सपोज कीजिएगा ये यहाँ पे दो कंपोनेंट अपन ने रखे ए एंड बी, ये लिक्विड फेज में, तो इनकी मोल फ्रैक्शन होती है एक्स ए एंड एक्स बी. और इनका जो प्रेशर गिवन होता है टोटल इसका सॉल्यूशन का जिसे अपन वेपर प्रेशर बोलेंगे पी एस, वो होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. ये तो राउल्ट्स लॉ से आता है. बिल्कुल सर. अब यहाँ पे जैसे ये ए वाला कंपोनेंट ऊपर जाएगा वेपर फेज में तो ये यहाँ पे वेपर फेज बन गया और वेपर जो होती है वो एज ए एज गैस की तरह काम. बिल्कुल सर. और गैस के प्रेशर के लिए अगर अपन बात करें तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल है. बिल्कुल सर. तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर पी ए जो होगा वो होगा पी टोटल इनटू उसकी मोल फ्रैक्शन. अब ए की मोल फ्रैक्शन गैसीय स्टेट में या वेपर फेज में वही है,
तो यहां से वाई ए का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पी ए अपॉन पी टोटल, पी टोटल बोले तो पी सोल्यूशन। अपन से यही पूछ रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट, इसका मतलब y a is equal to p a upon p total या p solution पूछ रहा है। p a की वैल्यू अपन यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको स्टार्टिंग में दे रखा है इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन को आपने मिक्स किया है, अगर इक्वल मोल लिए तो इसका मतलब बेंजीन की मोल फ्रैक्शन जो होगी वो भी 1/2 आएगी। बिल्कुल सर। और टोलुइन की मोल फ्रैक्शन आएगी वो भी 1/2 आएगी। हमेशा याद रखो एक मिक्सर में जितने भी कंपोनेंट मिलाए जाते हैं उन सबकी मोल फ्रैक्शनों का एडिशन हमेशा 1 होता है। वन होता तो इक्वल मोल है तो दोनों के बराबर होंगे मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पीएस की वैल्यू को अगर अपन सॉल्व करें तो पीएस इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए, पी नॉट ए की वैल्यू है 700 इनटू 1/2 ये बेंजीन की वजह से, और टोलुइन की वजह से ये हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा सर 650 हो जाएगा, और बेंजीन का हो गया 350। तो वाई ए इज इक्वल टू 350 अपॉन 650। अगर यहाँ पे जो आएगा 350 अपॉन 650 ये आ जाएगा 0.54, 0.5 से तो ज्यादा आएगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना सर। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट अपने 0.54 आएगा। बिल्कुल सर, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है वैसे। अगर ऊपर 325 होता तो एग्जैक्ट 0.5 होता, 325 से ज्यादा तो 0.5 से ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा भी नहीं आएगा तो आंसर हो गया 4। बिल्कुल सर। चले सर आगे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉब्लम। At 323 Kelvin, the vapor pressure in millimeter of mercury, mm of mercury पे बात कर रहा है, of a methanol and ethanol solution. Methanol और ethanol solution जो होते हैं वो एक ideal solution की तरह treat करेगा। दोनों में same bonding है। Solution is represented by the equation P is equal to 120 xA plus 140. जहाँ पे इसने बोला है xA is the mole fraction of the methanol. Then the value of limit x tends to a p a upon x a पूछ रहा है। बिल्कुल सर, इसमें मैं जो ध्यान में रखना है वो limit का ध्यान में रखना है। ये limit x a tends to a का मतलब ये हो गया सर कि यहाँ पे x a जो है वो methanol की mole fraction को। बिल्कुल सर। x a tends to one हुआ, इसका मतलब methanol की mole fraction हो गई one हो गई। तो इसका मतलब x भी हो जाएगा zero। x भी zero हो गया, इसका मतलब pure state में कौन present हो गया methanol। methanol। इसका मतलब ये overall ये जो बात कह रहा है सर ये रिप्रेजेंट करेगा प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल को, मींस पी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पी नॉट की वैल्यू क्या होती है, अपन कहते हैं पी बराबर होता है पी नॉट इनटू एक्स ए, ये होता है। आपको पढ़ना कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे जैसे ही आप एक्स ए इक्वल टू वन पुट करते हो तो ये जो वेपर प्रेशर आएगा ये प्योर स्टेट में किसका आएगा, मिथेनॉल का आएगा, ये पी नॉट ए हो जाएगा सीधा। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू जैसे ही वन पुट करेंगे तो 120 into 1 plus 140 is equal to ये हो जाएगा 260 mm of Hg. Third answer है। Third is the correct answer. Next please. Next बात करते हैं sir. Question number 7 दे रखा है। Solute A is associated in solution in following way. ये कह रहा है कि A जो होगा वो A3 में जो होगा वो associate होगा, means संगुणित होगा। बिल्कुल। संगुणित होने का मतलब दो molecule, तीन molecule आपस में associate होके एक बनाएगा। If degree of association will be 60%, then value of want of factor iota will be ये होता है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी association होता है तो iota आपका 1 से कम होता है। 1 से कम आएगा। Dissociation में iota greater than बनाएगा, और अगर association और dissociation नहीं होता है, तो वो बन तो उस condition में बनाएगा। जैसे कि non-electrolyte। बिल्कुल सर। अगर अपन ये कहते हैं Na convert होता है An में, ये एक generalized formula है। इसका मतलब N molecule associate होके एक molecule बना। उस समय आयोटा होगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 बाय एन, बस ये हो गया। इससे अपन को कंपेयर करते हुए चलना है। यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई सर 3, इससे अगर अपन कंपैरिजन करें सर तो आयोटा इक्वल टू 1 माइनस, अपन को अल्फा दे रखा है 60% तक एसोसिएशन हुआ है, इसका मतलब अल्फा हो गया 0.6, 1 माइनस 1 बाय 3 हो गया ये यहाँ पे। तो इसको अगर अपन देखें तो 2/3 हुआ, 2/3 का मतलब हो गया 0.4, यहाँ से 1 minus 0.4 is equal to 0.6, आयोटा आ जाएगा 0.6। आपको इसमें यही ध्यान रखना है अगर degree of association या degree of dissociation दिया जाए तब ये formula आपको लगाने हैं, नहीं तो आपका ये value आपकी आयोटा बन जाएगी 100% association या dissociation। अगर कुछ भी नहीं given है उस समय आपको आयोटा जो लेना पड़ेगा वो 1 consider करना पड़ेगा, अगर कुछ भी given नहीं होता है, ये understood होता है। यहाँ पे दे रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे first is the correct answer। जी सर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 6% WYV एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 4%
W by V aqueous solution of acidic acid. Degree of ionization of acidic acid in solution will be. यहाँ पे सर एक तो दे रखा है यूरिया, यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल तो है ये, साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इट मींस इसका आयोटा जो होगा वो होगा वन, वन हो जाएगा। एसिडिक एसिड वाटर में दे रखा है, इसका मतलब ये डिसोसिएट होगा, तो इसका आयोटा कुछ न कुछ आएगा और वो ग्रेटर देन वन ही आएगा। बिल्कुल सर। सर हम बार बार ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जब भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो आयोटा का साथ में यूज करें, पाई इज इक्वल टू आयोटा सी आर टी होता है। बिल्कुल सर। आपको वांट ऑफ फैक्टर साथ में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे अगर आपको भूल भी जाए तो आपको मालूम रहेगा कि आयोटा की कुछ न कुछ वैल्यू पुट करनी। बिल्कुल, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा मोलरिटी काम में नहीं लेकिन नेट मोलरिटी काम में लेगा, आयोटा उसी काम में लेना। बिल्कुल सर। सेकंड नंबर सर इस वाले फॉर्मूले में इन्होंने बोला आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है कि दो सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, मींस पाई ए इज इक्वल टू पाई बी होना चाहिए। अगर अपन सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो सेम टेम्परेचर पे बात करेंगे तो आयोटा वन सी वन आर टी होगा, इसका होगा आयोटा टू सी टू आर टी होगा, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा। आयोटा वन सी वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आयोटा टू सी टू होना चाहिए। एक बात तो ये होगी, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए आपको अप्लाई करना है। सेकेंड नंबर यहाँ पे डायरेक्टली आपको मोलरिटी गिवन नहीं है, आपको गिवन है 6% W by V, इसका मतलब मोलारिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। या तो आप बेसिक डेफिनेशन से चले, बेसिक डेफिनेशन से नहीं चलते हैं तो आपके पास मोलारिटी का एक फॉर्मूला है, 10 W by V परसेंटेज में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये याद रहे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, तो यूरिया का आयोटा तो है सर 1। बिल्कुल सर। इनटू इसका 10 W by V दे रखा है यूरिया का 6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है यूरिया का 60 होता है, इज इक्वल टू इसका आयोटा आपको कैलकुलेट करना है एसिडिक एसिड का। W by V दे रखा है इसका 4 और एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, 60 से 60 कैंसिल हो गया, आयोटा इज इक्वल टू आ गया 1.5, आयोटा 1.5 आ गया। बट अपन से आयोटा नहीं पूछा, अपन से ये पूछा है कि बताओ एसिडिक एसिड के डिसोसिएशन का अमाउंट कितना होगा, मींस अल्फा पूछ रहा है, एल्फा की बात कर रहा है। एसिडिक एसिड जो होता है सर एबी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। बिल्कुल। ये CH3CO- माइनस में और H+ में डिसोसिएट होता है, जब एबी टाइप का हो और डिसोसिएशन की बात चल रही हो तो 1 + α 1 + 1 - 1 आएगा। अगर मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्मूले में बात करना चाहूँ तो ये ऐसा हो जाएगा सर, मैं अगर एक जनरलाइज फॉर्मूले में बात करना चाहूँ तो ये इस टाइप से हो सकता है, जैसे अपन ने अभी डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए बात की थी, ए एक्स बी वाई अगर कोई कंपाउंड है, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है ए एक्स वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस में, अगर ये ऐसे डिसोसिएट हो रहा है तो इसका आयोटा जो होगा वो होगा 1 + α (x + y - 1) पर अपन ने कहा था डिसोसिएशन के लिए अल्फा जो होगा सॉरी आयोटा जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, तो देखो सर यहाँ पे बीच में प्लस लिख रखा है तो 1 प्लस समथिंग कुछ आने वाला है, इसका मतलब आयोटा ग्रेटर देन 1 भी है। यहाँ से कंपेयर करते हुए चले x और y की वैल्यू, तो एसिडिक एसिड में x भी 1 है और y भी 1 है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें आयोटा 1.5 है, ये हो गया 1 + α, x की वैल्यू भी 1 y की वैल्यू भी 1, तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा 0.5 बोले तो 50%, तो ये अपना हो गया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सर, ये आइसोटोनिक का भी कांसेप्ट हो गया सर, यहां पे एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस हो गई, और एक जनरल टर्म्स के लिए अगर अपन बात करें डिग्री डिसोसिएशन के लिए तो आयोटा और अल्फा में रिलेशन भी आ गया। बिल्कुल सर। बात करें सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, ए कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज COCl3.xNH3, ये कह रहा है इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर, सोर्स डेल्टा टीएफ 0.558 केल्विन, केएफ फॉर H2O इज 1.86 केल्विन पर मोलेरिटी, एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसने बोला है कि 100% आयोनाइजेशन होगा, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई सर कि यहां पे ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, और कॉम्प्लेक्स अगर ब्रेक होगा तो आयोटा ग्रेटर देन बनाएगा, तो आयोटा यूज करना चाहिए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा इंटू के एफ इंटू एम होगा, ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर। ये अपन को डेल्टा टी एफ जो होता है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है,
वो अपन को दे रखा है 0.558। बिल्कुल सर। आयोटा अपन कैलकुलेट कर लेंगे, केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86, मोलेरिटी अपन को दे रखी है 0.1, यहां से आयोटा आ गया 3। बिल्कुल। अगर आपका 100% आयोनाइजेशन होता है, बिल्कुल सर, तो आयोटा अगर 3 आ रहा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स 3 आयन बनने चाहिए, उस कॉम्प्लेक्स में 3 आयन बनेंगे सर। यहां पे अगर सर बात करें तो यहां पे टोटल आयन है 4, यहां पे आयन, क्योंकि सर स्क्वायर ब्रैकेट वाला कभी टूटेगा नहीं, ये पूरा एक साथ रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला मैटर आ गया, आपको ये ध्यान रखना है जो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया वो कभी आयनाइज नहीं होगा। तो ये हो गया एक और ये हो गया 3, 4, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक आयन ही हो गया, दो आयन, दो आयन, तीन आयन, तो अपन को चाहिए आयन भी 3, तो सेकंड आ जाएगा। बिल्कुल सर। यहाँ पे देखे सर, एक आयन तो ये हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, दो आयन हो गए, तो दो नहीं बैठे, लास्ट नन ऑफ दीज। एक बात यहाँ पे चेक कर लेते सर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो कोबाल्ट का है सेकंड ऑप्शन में वो 6 ही आ रहा है। बिल्कुल सर। 6 लिगेंड जुड़े हुए और वो भी मोनोडेंटेड है। बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। तो इन्होंने ये भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो दोनों मैच कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपने। व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 मोलर। यहां पे एक्वस सॉल्यूशन दिए गए हैं, सॉल्यूट आपको दे रखे हैं, मोलरिटी सेम है, आइसोमोलर है, तो आयोटा देखना है यहाँ पे। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसके लिए आयोटा हो गया अपना 1, 1, इसके लिए आयोटा अपना 3। सर कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब 100% डिसोसिएशन कंसीडर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसका आयोटा हो गया 4 और इसका अपना आयोटा हो गया 5। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें सर अपन, तो पाई इज इक्वल टू हो गया आयोटा इंटू सी इंटू आर टी। टेम्परेचर और आर एक बार के लिए अपन स्किप कर दे, क्योंकि टेम्परेचर सेम टेम्परेचर में बात चल रही है, तो पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है आयोटा इनटू सी के। अब यहाँ पे मोलरिटी भी आपको सेम दे रखी है, तो ये वाला फैक्टर भी गया सर, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा आएगा, बिकॉज सी इज कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सर। अब जिसका आयोटा ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर जो फिट बैठेगा पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 और पाई 3 और पाई 4 जो होना चाहिए वो सबसे मिनिमम में सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल। कहने का मतलब आपको यहाँ पे हर बार नेट मोलरिटी ही देखनी है। बिल्कुल। आयोटा इनटू सी, सी यहाँ पे सबके लिए सेम रहेगा। बिल्कुल सर। चले सर आगे देखिए सर, नेक्स्ट 11 नंबर प्रॉब्लम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इफ द सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कह रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है आपने, तो कह रहा है किस केस में जो है वो ऑस्मोसिस होगा। वैसे सर ऑस्मोसिस जो होता है वो अगर अपन बात करें, बिल्कुल सर, तो यहाँ पे ये एसपीएम है, एसपीएम जो होता है वो अपने में से ओनली 4 जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो होते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस अगर अपन बोले तो ऐसा हो सकती है कि अगर मैंने सॉल्वेंट को यहाँ से यहाँ फ्लो करवाया, इसका मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो या तो मैं ऐसा बोलूँ कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस जो होना चाहिए यहाँ पे सॉल्वेंट का हाई अमाउंट होना चाहिए। बिल्कुल। हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट होना चाहिए फिर, तो ये ऐसे। अब बेसिकली अपन कंसेंट्रेशन की जो बात करते हैं, वो कंसेंट्रेशन जो होती है वो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होती है। बिल्कुल सर। तो अगर आप कंसेंट्रेशन की बात करोगे तो वो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में होगी। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट हाई है, इसका मतलब यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल। और इधर जो होगा वो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेरे को अल्टीमेटली ये बात देखनी है, अगर इन दोनों की कंसेंट्रेशन दोनों साइड में अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब कंसेंट्रेशन सेम होगी, तो फिर तो ऑस्मोसिस हो गई। तो अपन तो बोल ही ऐसा है कि ऑस्मोसिस जो होगा वो लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ओवरऑल ये देखना है कि कंसेंट्रेशन दोनों की बराबर है या नहीं है। ये कह रहा है कि कहां पे ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस होगा, इसका मतलब दोनों साइड की कंसेंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए, और कंसेंट्रेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आयोटा इनटू सी से। नेट मोलरिटी देखनी है। नेट मोलरिटी तो चेक करते हैं सर। पहला ऑप्शन दे रखा है 0.1 मोलर NaCl है और 0.2 मोलर ग्लूकोज है। NaCl का वोंट ऑफ फैक्टर होता है 2, तो यहां पे हो गया 0.1 इनटू 2 और ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका तो 1 ही होगा। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सुक्रोज है, सुक्रोज का भी आयोटा अपना 1 है, तो ये 0.1 ही रहेगा। 1 ही रहेगा। और इधर फ्रुक्टोज है, इसका भी आयोटा 1 है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे भी नेट पोलरिटी 0.1 ही, इसका मतलब वहां पे भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वोंट ऑफ फैक्टर आयोटा होगा 5 होगा, 5 इंटू 0.05 की अगर अपन बात करें
तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.25, इसका आयोटा 3 होता है तो 0.1 × 3, यहाँ दोनों साइड की कंसंट्रेशन जो होगी सर वो डिफरेंट होगी, इसका मतलब यहाँ पे मोलारिटी में डिफरेंस है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस होना चाहिए थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन सर एक बार चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, इसके लिए आयोटा अपना 3 हो गया, तो ये 3 × 10⁻³ होगी यहाँ की नेट मोलारिटी, और यहाँ पर है 1.5 × 10⁻³ और NaCl का आयोटा 2 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी भी 3 × 10⁻³ आ गया। यहाँ पे भी नेट मोलारिटी इक्वल है, इसका मतलब थर्ड वाले केस में जो होगा वो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस करेगा, बाकी तीन ऑप्शन में नहीं करना चाहिए। आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा बस ये याद रखो कि नेट मोलारिटी के हिसाब से किया करो चीजें। क्यों सर? ठीक है सर, चले आगे सर। बिल्कुल सर, नेक्स्ट दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर Ab2 व्हिच इज 10% डिसोसिएटेड, और डिसोसिएट होगा कैसे ये भी आपको बता दिया गया है, A2 प्लस Nb माइनस में होगा। इसका मतलब मैं अगर बात करूं टोटल आयन जो बनने वाले हैं A2 प्लस बनेगा प्लस 2 टाइम्स B माइनस बनेगा, इसका मतलब X की वैल्यू 1 होगी, Y की वैल्यू 2 होगी, जो अपन एक जनरलाइज फॉर्मूला देखा। बिल्कुल सर, ये बोल रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो पहले आयोटा कैलकुलेट कर ले, तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.1। बिल्कुल सर, X की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू 2 है, माइनस 1 करना है, तो आयोटा हो गया 1.2। फिर अपन को मालूम है डेल्टा टीबी जो होता है वो होता है आयोटा इनटू केबी इनटू एम होगा, मोलिलिटी, मोलिलिटी यहां पे मोलिलिटी है स्मॉल m है, स्मॉल m, तो आयोटा अपन को कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, केबी की वैल्यू 0.52 दे रखी है, वाटर के लिए 0.52 होता है, और मोलिलिटी की वैल्यू दे रखी है 0.01, ये आएगा। अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 0.006 के आसपास आएगा, ये केल्विन में है। बेसिकली सर ये डिफरेंस है, चाहे केल्विन में है चाहे डिग्री सेल्सियस में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे को डेल्टा डीबी नहीं पूछा गया सर, एक ऑप्शन में ये भी दे रखा 0.006 केल्विन, अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अपन से ये पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, तो ये तो एलिवेशन है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन कितना हुआ, मींस डेल्टा टीबी कितना है, वो ऐड करना है आपको। बिल्कुल सर, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बोला है, इसका मतलब सॉल्वेंट आपका वाटर है, वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का 373 केल्विन। बिल्कुल सर, 373 में अगर 0.006 ऐड करें तो 373.006 केल्विन हो जाएगा, इट मींस सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जी सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13, सब्सटेंस ए टेट्रामराइजेस इन वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, इसका मतलब सर ये इसके चार मॉलिक्यूल जो होंगे ए के ये एसोसिएट होके A4 बना देगा। बिल्कुल सर, 80% एक्सटेंट तक कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.3 डिग्री सेल्सियस द मोलर मास ऑफ ए, ये मोलर मास ऑफ ए पूछ रहा है अपन से। एक काम करते सर, आयोटा कैलकुलेट अगर अपन करें तो 1 माइनस अल्फा, ये एसोसिएशन का है तो 1 माइनस अल्फा 0.8, 1 माइनस 1/4, एन की वैल्यू 4 है, 1 माइनस 0.8 ये हो गया 3/4, ये हो जाएगा 0.4। जी सर, आयोटा की वैल्यू हो गई 0.4। अब अपन अप्लाई करते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आयोटा इनटू केएफ इनटू एन। डेल्टा टीएफ अपने पास दे रखा है सर, ये दे रखा है 0.3 डिग्री सेल्सियस, ये लीजिएगा 0.3, आयोटा 0.4 है ही, केएफ वाटर के लिए 1.86 होता है, यहाँ पे गिवन नहीं है, 1.86 होता है वाटर के लिए केएफ। मोलेरिटी अपन को लिखनी है, आपको दे रखा है सॉल्यूट कितना दे रखा है 2.5 ग्राम अपॉन, इसका मॉलिक्यूलर वेट मैंने ले लिया एम, 100 ग्राम वाटर में दे रखा है तो 100 ग्राम में रखा है तो ऊपर 1000 का मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से मेरे को m कैलकुलेट करना है सर अल्टीमेटली। अगर यहां से m कैलकुलेट करेंगे तो 20 से सर 20 कैंसिल हो गया, m इधर जाने वाला है, ये हो जाएगा अपने पास 1 m इज इक्वल टू 4/3 इनटू 1.86 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा सर 0.62 और ये हो गया 100 तो 62 आ जाएगा मोलिक्यूलर, मतलब फोर्थ फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।
बिल्कुल ऐसी सिंपल सी कैलकुलेशन आती है सर, केफ जब 1.86 है तो ये 3 का कुछ मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी जब भी देगा तो डेल्टा टी एफ 3 का मल्टीपल देगा, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे एग्जाम में, थोड़ा ये ध्यान रखो कि कैलकुलेटिव पोर्शन मिलता है। बिल्कुल ठीक है सर, चले नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पे। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एक्स मोलर एटॉमिक मास दे रखा है इसका 32 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ CS2 इज 848.9 टोर दे रखा है। आपसे बोल रहा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सॉल्यूट, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है सर ये कि ये एक्स जो है वो या तो एक्स के फॉर्म में ही रहेगा या X2 के फॉर्म में रहेगा या X फॉर्म के फॉर्म में रहेगा या X8 के। बिल्कुल सर, तो आप एक काम करें सर, इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर अपन कैलकुलेट कर ले तो फिर अपन ये लगा सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो होगा एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो मेरे को एटॉमिसिटी मालूम चल जाएगा, और जैसे ही एटॉमिसिटी मालूम चला अगर 1 आई तो X हो जाएगा, 2 आएगा तो X2 हो जाएगा, 3 आए 4 आएगा तो X4 और 8 आया तो X8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपन को एटॉमिसिटी कैलकुलेट करवा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन। अब आपसे पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, डेल्टा पी अपॉन पीएस लगा रहा हूं इज इक्वल टू एनबी अपॉन एनए, ये होता है। किसी को डाउट है अगर तो ये फॉर्मूला सर ऐसे होता है बेसिकली राउल्ट लॉ, तो कि डेल्टा पी अपॉन जो पी नॉट होता है ये होता है एक्सबी के इक्वल, और एक्सबी होता है एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। बट मेरे को सर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो एनबी लिखूंगा डब्ल्यू बाई एम आएगा, यहाँ पे भी डब्ल्यू बाई एम आएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, वहां पे एक ही टाइम्स आएगा जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है सर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सेम वे में, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एनबी अपॉन एन ए हो जाएगा ये। बिल्कुल सर, अब यहाँ पे एनबी है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट एक ही बार आएगा, सीधा अपन बुक कर देंगे। अपन को ये बोल रहा है कि 854 था इनिशियल में, ओरिजिनल में 848.9 हो गया, तो इसका मतलब ये तो 5.1 हो गया। बिल्कुल, ये हो गया 848.9, यहाँ पे अपन को बोल रहा है कि 2 ग्राम सॉल्यूट है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m हो गया इसका। अपन बात करें 100 ग्राम CS2 की, ये 100 हो गया और इसका मॉलिक्यूलर वेट जाएगा ऊपर, तो CS2 का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा अपने पास 76। ये यहां से सर अपन अगर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 76 × 848.9 अपॉन 100 × 5.1। सर एग्जाम में अगर ये कैलकुलेशन आई हुई है तो मैं एक सिंपल सी बात बोल दिया तो सर ये ऑलमोस्ट 8.48 हो गया। बिल्कुल सर, ये यहां पे जो होगा वो ऑलमोस्ट हो जाएगा 15। बिल्कुल, 15 के आसपास हो गया, तो 15 × 8 हो गया सर 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240, और मैं बोलूं 240 से सर ज्यादा ही आना है, कम नहीं आना। उसका रीजन ये है सर, यहाँ पे अपन 8 कंसीडर किया है जबकि है 8.48, तो 240 से ज्यादा आएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये तो आप मान के चले अप्रोक्स 240 मान लेते हैं। हाँ, अपन एक बार यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू पुट करें, 240 एटॉमिक मास दे रखा है 32 इनटू एटॉमिसिटी अगर अपन n माने तो ये 7 से ज्यादा आ गई, और मैं बोलूं 240 से ज्यादा इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 8। इसका मतलब x जो है वो x8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। आपको अल्टीमेटली यहां पे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो उससे एटॉमिसिटी। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये हो सकता था सर कि इसका मोलर मास जो है या आपको ये दे देता कि सॉल्यूट xn है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगा, n की वैल्यू पूछ सकता था। ठीक है सर, चले मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से दूसरी फॉर्म कैसे आ सकती है वो भी सर ने डिस्कस कर लिया आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम, सर दोनों प्रेशर ही है तो प्रेशर की यूनिट तो हमेशा सेम रहेगी। सेकंड नंबर, इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। सर अभी अपन ने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने ऑस्मोसिस की डायरेक्शन की बात की थी, रिवर्स ऑस्मोसिस की नहीं, तब बोला था कि लोअर कंसेंट्रेशन से किधर जाना चाहिए हायर कंसेंट्रेशन, क्यों अगर लोअर कंसेंट्रेशन होगी तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा और फ्लो सॉल्वेंट को करना है, सॉल्वेंट की हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ये तो ऑस्मोसिस में होता है, ये कह रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस में,
तो रिवर्स ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होगा, उल्टा होगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, इसका मतलब सेकंड करेक्ट होगा। या तो इसमें ये ध्यान रखना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया जाता है, जिससे ऑस्मोसिस की जो फिनोमेना वो उल्टी हो जाएगी और वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। थर्ड नंबर देखते हैं, दी वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है, चाहे मोलेलिटी चेंज करो चाहे कुछ भी चेंज करो, जब तक आपने सॉल्वेंट चेंज नहीं किया, केएफ एंड केबी जो होता है सर, ये केएफ एंड केबी आर दी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट चेंज करने पे ही चेंज होगा। जैसे वाटर के लिए बात करूं तो केएफ 1.86 है तो वो फिक्स है, केबी अगर बात करूं वाटर का तो 0.52 होता है, वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करोगे तो चेंज होगा, ये नीट 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। हमेशा ध्यान रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की नंबर क्या है और सॉल्वेंट की नेचर क्या है। लास्ट अपन बात करें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, और ये होता है एक्स बी, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन हमेशा यूनिट लेस होता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो वो सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सर, ये कह रहा सर विच पेयर ऑफ दी सॉल्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज आइडियल। और आपको बताया था 2019-20 दो साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आया इसके ऊपर, ये बोला है कौन सा आदर्श सॉल्यूशन आदर्श कहा जा सकता है। यहाँ पे सर जैसे भी हमेशा अगर आपको सॉल्यूशन होमोलोगस सीरीज का दिख जाए या फिर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख जाए तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे होमोलोगस सीरीज दिख गई है सर, हेक्सेन प्लस हेप्टेन होमोलोगस सीरीज है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आइडियल होगा। बिल्कुल सर, फर्स्ट। सेकंड वाले में बात करें एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड जो था सर पहले नॉन पोलर था, पोलर के अट्रैक्शन में आया, तो यहाँ पे एसीटोन का जो फोर्स होगा, यहाँ पे एसीटोन था यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड था, ये देखिए सर कार्बन डाइसल्फाइड है और कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है, एच बॉन्डिंग हो जाएगी, ये एच बॉन्डिंग है, इसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल सर, वाटर प्लस एसिड दे रखा हो या वाटर प्लस बेस दे रखा हो तो भी सर नेगेटिव डेविएशन का होता है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनेगा ना वो बनेगा आयन डाइपोल का, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वीक फोर्सेस में, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन का बनेगा। तो फर्स्ट आइडियल है, सेकंड पॉजिटिव डेविएशन है, थर्ड एंड फोर्थ नेगेटिव डेविएशन का, तो आंसर हो गया फर्स्ट सर। जी सर, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। सर इस क्वेश्चन को ट्रेंड ये चला सकता है, ये चार क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो ये आपसे बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, ये आपसे वेपर प्रेशर भी पूछ सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछ सकता है, प्रॉपर्टी जो चारों में चारों कोई भी पूछ सकता है। मैं अगर एक बात बोलूं सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होता है ना तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है। बिल्कुल सर, मोल्स इंक्रीज होने पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, और एक्सपेरिमेंटल मोल जो होता है वो सर आयोटा इंटू एम से रिप्रेजेंट होता है। सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सर वो होती है आरएलवीपी। बिल्कुल सर, अब ये कह रहा मोल्स इंक्रीज होगा तो आरएलवीपी इंक्रीज होगा, मींस लोअरिंग इंक्रीज होगी, अगर लोअरिंग इंक्रीज होगी तो फिर तो वेपर प्रेशर डिक्रीज ही होगा। बिल्कुल सर, अगर जैसे मान लो अगर आपके पास पहले वेपर प्रेशर 100 था, आपने कहा 20 डिग्रीज हो गया तो फिर वेपर प्रेशर 80 बचना चाहिए था। बिल्कुल सर, अब आपने कहा मोल्स बढ़ा तो आरएलवीपी बढ़ गई, मान लो 40 हो गया तो अब वेपर प्रेशर तो 60 ही हुआ, 60 हो गया तो आरएलवीपी बढ़ने पे वेपर प्रेशर तो कम ही हुआ, तो मैंने ये लिखा है कि आरएलवीपी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। सेकंड नंबर अगर अपन बात करें कि मोल्स बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ बढ़ेगा सर। बिल्कुल सर, डिप्रेशन बढ़ने वाला है, डेल्टा टीएफ बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। अगर डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ती है तो देखो सर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने वाला है। बिल्कुल सर, तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम रहेगा, दोनों डिक्रीज होंगे मोल्स इंक्रीज होने पर। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब मोल बढ़ेगा तो एलिवेशन बढ़ेगा, एलिवेशन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट खुद बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी, ये प्लस आ रखा है बीच में, डेल्टा टीबी बढ़ेगा तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर तो बढ़ना ही, क्यों पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर सेम रहेगा, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम रहेगा, ये होने वाला है सर।
यहाँ पे अपन को कुछ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी दे रखे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी दे रखे। मोल एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करना है तो एक ही तरीका रहेगा, मोलारिटी इनटू आयोटा कैलकुलेट कर लिया। कॉपर सल्फेट का आयोटा होता है 2, तो हो गया, तो 2 इनटू ये अगर अपन करते हैं आयोटा इनटू एम करते हैं तो ये आएगा 0.150। यहाँ पे अपना आयोटा आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये 0.60 इनटू 3 ये करोगे तो सर 0.18 आ जाएगा। यहाँ पे बात करें यूरिया आयोटा 1 होता है तो इसका मतलब इसकी इफेक्टिव मोलारिटी या इफेक्टिव मोल जो रहेंगे वो 0.14 ही रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे देखें आयोटा अपना 3 आ जाएगा फिर से, तो ये 0.04 इनटू 3 ये 0.12 आ जाएगा। तो इसका मतलब जिसके लिए नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। तो सबसे ज्यादा मोल है सर बी के 0.18, इसका मतलब बी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम एक ही ऑप्शन में सर। आप अरेंज करेंगे तो भी आपको ये मालूम चलेगा, तो डी सी ए एंड बी, बी सबसे मिनिमम आना चाहिए। चले सर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18, ये बोला दी एलिमेंट्स एक्स एंड वाई फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ये कह रहा सर कोवेलेंट कंपाउंड, इसका मतलब डिसोसिएट तो नहीं होने वाला। इसका मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इसका आयोटा वन लेना है आपको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल, कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला XY2 और XY4, दो कंपाउंड दे रखे XY2 एंड XY4, व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम XY2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है सर पहली बार में 2.3 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन हुआ। KF बेंजीन का आपको दे रखा है 5.1 इनटू, आपको मोलेलिटी लिखना आना चाहिए, मोलेलिटी आपको कहा जा रहा है 1 ग्राम आपने डिसॉल्व किया है अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। बेंजीन का मास दे रखा है सर यहाँ पे है आपको 20 ग्राम, तो ये 20 इनटू 1000 जाएगा ऊपर या सेकंड नंबर। आगे स्टेटमेंट कह रहा है वेयर एज 1 ग्राम ऑफ XY फोर्स लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 डिग्री सेल्सियस। ये 1.3 हो गया, वापस KF ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वापस बोला जा रहा है 1 ग्राम ऑफ XY4, XY4 का मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया m वापस या m डैश मान लीजिएगा, 20 ग्राम में ही दे रखा है तो ये 20 इनटू 1000 ये हुआ। बिल्कुल सर, अब आपको ये बोला है सर यदि बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक का मान मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है जिसको मैंने यूज कर लिया है एटॉमिक मास ऑफ x एंड y। यहां से आपको ये काम करना होगा सर, यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 50, यहां से m की जो वैल्यू आएगी, यहां से m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x+2y = something कुछ आएगा। यहाँ से मोलर मास आएगा x+4y = something कुछ आएगा। ये दो इक्वेशन बनने वाली सर, यहाँ पे मोलर मास कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे सर 110 के आसपास आएगा, यहाँ पे 196 के आसपास आएगा अगर कैलकुलेशन करते हैं तब, ये आने वाली। तो उस कंडीशन में अगर आप इसे सॉल्व करोगे x+2y ये शायद 110 के आसपास आएगा, ये 196 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट देखिएगा सर, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y = 86 आएगा। 86 बोले तो इसका मतलब y का मतलब आएगा 43 के आसपास, एक तो ये रहा। अब जैसे मैं 43 यहाँ पे पुट करूंगा तो 43 का डबल 86 उधर माइनस होगा तो 24 आना चाहिए, ये रहा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चले ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, प्रॉब्लम में दे रखी है उसका एटीज क्वेश्चन अपन ने उठाया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ऑन डिसॉल्विंग 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन बाय 0.8। इसका मतलब बेंजीन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट था उससे 0.80 सर इंक्रीज हो गया, मींस डेल्टा टीबी हो गया ये। फिर बिल्कुल सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं सर, ऐसा कैसा क्वेश्चन था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर विल बी, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है और वहां पे अपन से पूछा था कि बताओ कौन सी फॉर्म होगी, सेम क्वेश्चन है। अपन को मालूम है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होगा केबी इनटू एम, ये हो जाएगा केबी इनटू एम। अगर अपन लगाए डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई 0.8, केबी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 2.54 दे रखा है। कितना ग्राम सल्फर डिजोल्व हुआ 3.24, मैंने इसका मॉलिक्यूलर वेट m मान लिया। मैंने ये कंसीडर किया है कि सल्फर जो होता है वो x की फॉर्म में रहेगा। बिल्कुल सर, अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो अपन को फॉर्मूला मालूम चलेगा। तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट इस sx का मान लिया m और इसको मैंने डिसॉल्व किया था 40 ग्राम बेंजीन में, मोलेलिटी के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यहां से m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3.24, ये हो जाएगा 25, आपस में कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 0.8, इट इज द 256 आएगा, 256 आएगा। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आया बिल्कुल sx का, तो इसका मतलब x into 32 is equal to 256, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8, इसका मतलब सल्फर s8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सर, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बोला कौन सा सही नहीं। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है सर, 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड KCl आर सेड टू बी आइसोमोलर, ये आपसे बोला आइसोमोलर है क्या है? सर इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है और ये कह रहा 50% एक्वस सॉल्यूशन है। सर मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था सर, अगर इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है 10% W/V अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर ये 5% है, सॉरी अगर ये 5% दे रखा है तो 10 सेम रहेगा, 5% सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, इसका मतलब इनकी मोलरिटी सेम हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर तो फर्स्ट ही हो गया बिल्कुल सर। सेकंड नंबर, 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन एंड 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, दोनों का आयोटा इनटू सी सेम रहेगा क्योंकि ये भी जो है वो नॉन मोल इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों की मोलरिटी सेम है, इसका मतलब सम परासरी ये ट्रू है। थर्ड कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इज हायर देन नॉर्मल मास इन क्रायोस्कोपिक मेथड। सर एक्चुअल में क्या होता है, एसिडिक एसिड और बेंजीन, यहां पे एक चीज मेंशन होनी चाहिए थी, इज हायर देन नॉर्मल मास इन क्रायोस्कोपिक मेथड इन बेंजीन, एक्चुअल में बेंजीन बोलो या नॉन पोलर बोलो तो वो एसोसिएट होंगे, तो फिर ये एसोसिएट होगा, वाटर में नहीं होगा, ये वाटर में डिसोसिएट होगा, वाटर में तो डिसोसिएट हो जाएगा, एसिड की तरह काम करेगा, तो नॉन पोलर होना चाहिए या मेंशन कर दिया सर अपन ने। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड वाला, ये डाइमर बनाएगा, डाइमर बनाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट इसका डबल हो जाएगा बिल्कुल। लास्ट फॉर द सेम सॉल्यूशन डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ, देखो डेल्टा टीबी जो होता है सर वो होता है केबी इनटू एम, ये बोला है सेम सॉल्यूशन है तो इसका मतलब उसकी मोलरिटी सेम रहेगी, टीएफ इनटू एम, अगर आप इन दोनों का रेशियो देखोगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ जो होगा वो केबी इनटू केएफ के बराबर आएगा सर। तो अपना आंसर फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक आपको पढ़ना है, सारी गुरु ने की अपलोड हो गई है, डीसीएम के पेपर आप देख रहे हो, होपफुली आप अच्छा कर रहे हो, नीट की डेट भी आ गई है, और अच्छा करने की ट्राई करें। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू।